गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास 8 सिविक्स, पेज 90, चैप्टर 7, पार्ट 7 हो चुका था, पार्ट 8 से पढ़ना है। पार्ट 7 में मैंने आपको बताया था कि जो ये मार्जिनलाइजेशन होता है, इसकी वजह से होता क्या है, जो मुस्लिम के साथ मार्जिनलाइजेशन होता है। अब देखिए, मार्जिनलाइजेशन होने का कारण भी यही है कि उनको अलग नज़रिए से इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि हम ऐसा मानते हैं। देखिए, मार्जिनलाइजेशन होने का एक सबसे बड़ा कारण है ये जो स्टीरियोटाइप मेंटेलिटी है ना, कि हाँ ऐसा मान लेना, सबके लिए मान लेना, है ना, पूरी कमेटी के लिए मान लिया, पूरी कम्युनिटी के लिए मान लिया। तो वैसे जैसे हम मुस्लिम सोचते हैं कि ये एजुकेशन नहीं है इनमें, ठीक है, अगर कोई हमला हुआ भारत के ऊपर पाकिस्तान से तो हम बोलेंगे मुस्लिम्स होते ही ऐसे हैं ना, तो ये एकदम गलत बात है, स्टीरियोटाइप मेंटेलिटी कि हाँ इनके बारे में ऐसा मान लेना और सबके लिए मान लेना, उनको देख के ऐसा सोचना। ये मार्जिनलाइजेशन हो रहा है हमारी वजह से, क्यों? क्योंकि हम ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ लैक ऑफ एजुकेशन है, पढ़े लिखे नहीं होंगे, ठीक है, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी से यूज़ टू नहीं होंगे, एडवांसमेंट नहीं होगा। पर ऐसा नहीं कह सकते, सबके लिए ऐसा नहीं कह सकते। तो मार्जिनलाइजेशन होने के कारण होता क्या है कि वो लोग माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। गेटोइजेशन ऑफ द कम्युनिटी, गेटोइजेशन ऑफ द कम्युनिटी इट मीन्स वो लोग क्या है, ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, फिर क्या है, वो लोग अपनी कम्युनिटी के साथ, जैसे उनकी कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ जाकर फिर वो रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक सिंधी कैंप एग्जाम्पल, जैसे नज़ीराबाद की अगर बात करें तो वहाँ भी, भोपाल में हबीबगंज, नज़ीराबाद में पूरे मुस्लिम्स मुस्लिम्स रहते हैं, वो भी एक सतना का ही पार्ट है। समटाइम्स दिस लीड्स टू हेट्रेड एंड वायलेंस। हेट्रेड एंड वायलेंस अब क्या होता है, क्योंकि ये मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है कि अब समझिए हमने कोशिश की, ऐसा प्रतीत किया, तो उसकी वजह से वो लोग मूव कर गए। अब वो लोग मूव कर गए एक जगह से दूसरी जगह, तो हम फिर एक प्रिजुडिस, एक पहली धारणा बना लेंगे कि हाँ ये लोग तो होते ही ऐसे हैं, मतलब वो लोग हमारे साथ नहीं रहना चाहते। एक्चुअल में देखा जाए तो हमारी मेंटलिटी की वजह से, अलग उनको सोचने की वजह से, अलग देखने की, अलग नज़रिए से देखने की वजह से, और अलग भी किस लिए देखा गया, हम उन्हें अलग भी किस लिए देखते हैं, क्योंकि एक तो उनका ट्रेडिशन थोड़ा डिफरेंट होता है हमसे, जैसे मैंने बताया था इधर पे बुरका फेस, ठीक है, लॉन्ग बियर्ड, इसलिए भी, और एक ये कारण हो जाता है, दूसरा एक स्टीरियोटाइप मेंटेलिटी, हाँ ऐसा मान लेना, तो उसकी वजह से वो लोग मूव करते हैं। अब वो लोग मूव करते हैं, फिर हमारी एक सोच बन जाती है कि ये लोग अलग हैं, फिर उनकी भी ऐसी सोच बन जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वायलेंस क्रिएट होता है। वायलेंस क्रिएट होता है मतलब हिंसा होती है, नफरत पैदा होती है। नेक्स्ट, इन द अबव डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर वी सॉ इन द केस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी देर इज़ अ लिंक बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिंक बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन। इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले सोशल, सोशल क्या होता है, जैसे हमने ट्रीट उनको अलग ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जैसे कोई मुस्लिम एक पर्सन है, उसकी शॉप है, तो हमने ऐसा डिसाइड कर लिया, हमने ऐसा सोचा कि हम उसकी दुकान से किराना नहीं लेंगे, ठीक है, तो ये हमने ऐसा सोचा, इसकी वजह से क्या हुआ, उसके कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं उसके पास, ठीक है, या हमारी दुकान में कोई लड़का काम करने आया एम्प्लॉय, तो अगर वो मुस्लिम है तो हम उसे नहीं रखेंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमिकली अगर वो वीक होंगे तो सोशली कैसे इम्प्रूव होंगे, ठीक है, उनका स्टेटस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा समाज में अगर वो इकोनॉमिकली अगर वीक होंगे, ठीक है। तो लिंक है इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन के बीच में, ठीक है, तो इकोनॉमिकली अगर वो स्ट्रांग होंगे तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग समाज समाज में भी बढ़ेगा, और आप खुद सोचिए अगर वो लायक है काम करने का और उसे अगर काम नहीं दिया जा रहा है जातवाद के बेसिस पे, जात और धर्म के बेसिस पे, तो होगा क्या, वो गलत काम करना स्टार्ट करेगा, और गलत काम स्टार्ट करेगा करना तो पूरी फिर दुनिया में आतंकवाद फैलेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, समाज का स्टेटस भी ख़राब होगा, उसका स्टेटस समाज में भी ख़राब होगा, और पूरे एक समाज का गर्दन, मतलब ऐसा होता है ना कि पूरे समाज की एक नाक कट जाती है कि हाँ ये ऐसा कर रहा है, तो सोशली भी इकोनॉमिकली अगर मार्जिनलाइज होंगे तो सोशली भी मार्जिनलाइज होंगे। अर्लियर इन दिस चैप्टर यू रीड अबाउट द सिचुएशन ऑफ आदिवासीज, सिर्फ मुस्लिम्स के ही साथ मार्जिनलाइजेशन नहीं होता, आदिवासीज के भी साथ होता है, हमने दोनों का इस चैप्टर में देखा है। इन योर क्लास 7th बुक यू रीड अबाउट द अनइक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। अब देखिए, अनइक्वल स्टेटस जैसे होता क्या है, जो मैन है, कहीं कहीं पे गांव में आज भी प्रथा चलती है औरतों को कुछ चीज़ें करने के लिए अलाउड नहीं है, कि वो पढ़ नहीं सकती, ठीक है, वो बाहर मतलब कहीं अगर दो तीन मेल मेंबर बात करें तो वो उनके सामने बात नहीं कर सकती, है ना, मतलब पुरानी टाइप की मेंटलिटी के लोग, कि नहीं औरतें यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, तो उनको भी इक्वल स्टेटस नहीं दिया गया कहीं ना कहीं पर। जैसे देखिए, अगर मैं रिलीजन के बेसिस पे बात करूँ तो मुस्लिम्स को, मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़, मुस्लिम्स कम है या और उन्हें मार्जिनलाइज किया गया है। वैसे रीजन के बेसिस पे देखूँ तो जैसे आदिवासीज़ को मार्जिनलाइज किया गया है, ठीक है, वैसे गांव वगैरह में मुस्लिम्स को
सॉरी वुमेन्स को. द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दिस ग्रुप्स पॉइंट टू द फैक्ट दैट मार्जिनलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना रिक्वायरिंग अ वेराइटी ऑफ स्ट्रेटजीज मेजर एंड सेफ गार्ड्स टू रिड्यूस दिस सिचुएशन. ऑल ऑफ अस हैव टू स्टेक इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉस In the laws and policies framed to realize these rights. Without these, we will never be able to protect the diversity that makes our country unique, nor realize the state's commitment to promote quality for all. तो इधर पे क्या बोला गया कि जो marginalization एक complex phenomenon है. It means एक complex structure है, बहुत है ना, बहुत सारी इसमें लड़ाइयाँ हो सकती है ना, जाति पाति के मतलब जाति के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, दंगे हो सकते हैं. ठीक है, तो गवर्नमेंट को मतलब कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, और हम सबको मिलकर भी है ना, हम सबके पास एक राइट है, हम सबके पास एक शेयर है राइट का, कि हम सब अगर मिलकर एक दूसरे के प्रति अगर ये सोच ख़त्म करेंगे तो जिसकी वजह से क्या है, ये जो मार्जिनलाइजेशन हो रहा है ये नहीं हो पाएगा, और एक जो डिस्क्रिमिनेशन की भावना आती है जिसकी वजह से क्या होता है, वायलेंस और नफरत होती है, तो वो सब नहीं होगा. देखिए अभी तक हमने जो भी पढ़ा ना उसका अब कंक्लूजन निकलता है. अभी तक हमने क्या पढ़ा, आदिवासी के साथ मार्जिनलाइजेशन होता है, ठीक है, मुस्लिम्स के साथ मार्जिनलाइजेशन होता है. अब होता है कौन करता है, हम करते हैं, हमारी हमारी जो मेंटलिटी है उसकी वजह से, ठीक है. और जैसे मुस्लिम्स में हमने बात की कि उनका थोड़ा तरीका भी अलग होता है चलने का, जिसकी वजह से हम ऐसे पहचान जाते हैं ना, जैसे मैंने आपको एक जैन और मुस्लिम का एग्जांपल दिया था, तो हम पहचान जाते हैं कि हाँ ये मुस्लिम है, तो इस वजह से भी थोड़ा हम उन्हें अलग कंसीडर करता है कि उनका थोड़ा डिस्टिंक्टिव तरीका है, अलग है. पर ठीक है, वो उनका ट्रेडिशन है, उनकी मर्ज़ी, वो फॉलो करें, हम नहीं होते कोई भी उसे उन्हें रोकने वाला. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड दैट इट मीन्स टू बी मार्जिनलाइज वॉट इट मीन्स टू बी मार्जिनलाइज कम्युनिटी. वी हैव ट्राइड टू लुक एट दिस थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज. There are different reasons for each of these communities being marginalized. अब इसका मीनिंग क्या हुआ, Each experience marginalization in different ways. There are different reasons. मतलब रीज़न अलग अलग है सबको मार्जिनलाइज करने का. जैसे एक तो हमने मेंटलिटी बना ली मुस्लिम्स के प्रति कि वो लिटरेट नहीं है ना, या वो आतंकवाद फैलाते हैं, ये एक हमने एक मेंटलिटी बना ली, तो एक ये कारण. दूसरा कारण जैसे आदिवासी, तो हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो डेवलपमेंट करना एक अच्छी बात है, पर किसी की बलि देकर डेवलपमेंट करना इज़ नॉट गुड, है ना. तो आदिवासी जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं ना, कि बलि देना चाहते हैं डेवलपमेंट के लिए. तो फॉरेस्ट वगैरह में जब जैसे डेवलपमेंट हुआ, उनके घर वगैरह हटा दिए गए, तो वो भी एक डेवलपमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं. तो हमने ऐसा क्या किया, हमने एक इनिशिएटिव उठाया, अब जिसकी वजह से उनको हटा दिया गया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर नक्सलवाद फैलेगा, आतंकवाद फैलेगा. क्यों, क्योंकि हमने उनके साथ गलत किया, फिर जो आदिवासी है ये भी हमारे साथ गलत करेंगे. तो सब अलग अलग कारण हैं मार्जिनलाइजेशन के, और लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस. फॉर एग्जांपल जैसे किसी को मार्जिनलाइज किया गया, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मार्जिनलाइजेशन होने के कारण ना, कुछ लोग तो भाई आतंकवाद फैलाएंगे कि नहीं अब तो मैं बदला लेकर आऊँगा, और कुछ लोग इससे इंस्पायर होते हैं कि हाँ हमको सोसाइटी से अलग देखा जा रहा है, तो फिर क्या होगा, हम ऐसा कोई एक रीज़न इस्टेब्लिश करेंगे जिसकी वजह से हमको सबके समान देखा जाए. जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ही वॉज मुस्लिम, ठीक है, वो मुस्लिम्स थे, स्टिल उन्हें मार्जिनलाइज कोई करके दिखाए, उन्हें अलग कोई करके दिखाए, ही वॉज दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट भी थे वो, ठीक है, तो वो उन्हें मार्जिनलाइज कोई नहीं कर सकता. क्यों, क्योंकि उन्होंने ऐसा स्टेटस इस्टेब्लिश किया. कोई अगर समझो IAS ऑफिसर है, वो अगर आदिवासी है, ठीक है, आदिवासी है, इसका मतलब वो आदिवासी कमेटी से, ठीक है, तो उन्हें उसे तो अब कोई मार्जिनलाइज कर नहीं सकता ना, क्योंकि वो सोसाइटी का एक मेन मेंबर है. ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि एक मोटिवेट हो जाते हैं, और कुछ लोग फिर क्या करते हैं कि एक गलत रिवेंज लेने के कारण एक गलत रास्ता अपना लेते हैं. तो सबके अलग अलग रीजन्स हैं, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस हैं. रीज़न मतलब जैसे डेवलपमेंट के कारण हमने हटा दिया आदिवासी इसको, मुस्लिम्स डिफरेंट कस्टम फॉलो करते हैं इसलिए हमने उन्हें मार्जिनलाइज कर दिया, और उनके एक्सपीरियंसेस भी डिफरेंट है. फिर वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एज अ मोटिवेशन लेते हैं उसको, और कुछ लोग गलत काम पर उतर आते हैं. ईच एक्सपीरियंस मार्जिनलाइजेशन इन डिफरेंट वेज. वी हैव ऑल्सो सीन दैट मार्जिनलाइजेशन इज लिंक्ड टू एक्सपीरियंसिंग डिसएडवांटेज, प्रीजुडिस एंड पावरलेसनेस. जो मार्जिनलाइजेशन होता है इसकी वजह से क्या होता है कि डिसएडवांटेज, कमिटी को डिसएडवांटेज होता है. किस बात का डिसएडवांटेज, उनको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी का फीलिंग आता है कि हाँ हमको अलग ट्रीट किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो फिर वो जगह छोड़कर और कहीं जाएंगे, या अच्छे से जैसे प्रॉपर अच्छे मैनर में रह नहीं पाएंगे सेम सोसाइटी में. प्रीजुडिस, पहले से ही धारणा बना लेना, है ना, पहले से स्टीरियोटाइप मेंटलिटी कि हाँ प्री जज कर लेना. पावरलेसनेस, पावरफुल भी फील नहीं करते, एक
सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है उनके अंदर. इन इंडिया देयर आर सेवरल मोर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ लाइक दलित्स. अब जैसे सिर्फ मुस्लिम्स आदिवासीज नहीं, दलित्स भी हैं, ठीक है. अब होता क्या है, गांव में कोई एक गांव है, वहां पे समझो एक ही समाज के ज़्यादा लोग रहते हैं, तो जो दूसरे समाज के लोग होंगे ना जो कम है, तो उन वो जो ज़्यादा है, ज़्यादा है नंबर में, वो लोग डोमिनेट करेंगे, ठीक है, डोमिनेट करेंगे या उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे. ऑफ होम यू विल रीड मोर इन नेक्स्ट चैप्टर. मार्जिनलाइजेशन रिजल्ट्स टू हैविंग अ लो सोशल स्टेटस एंड नॉट बीइंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर रिसोर्सेज. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया. अब जैसे मैंने आपको बोला था ना, मूव करते हैं वो लोग, मूव करते हैं मतलब माइग्रेट करते हैं, इधर पे लिखा है. तो माइग्रेशन जिससे देखा जाए वो घटोस्काइजेशन जो मैंने बताया था, घेटोसेशन जो पिछले वाले चैप्टर में घेटोस बना लेते हैं, तो वो एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है, है ना. देखिए सबसे पहले क्या हुआ, हमने उनको मार्जिनलाइज फील कराया, हमने उनको अलग फील कराया, ठीक है, जिसकी वजह से वो छोड़कर चले गए वो जगह, वो छोड़कर चले गए. तो छोड़कर जाने से इससे क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ता है, दूरियां और बढ़ती हैं, है ना. तो कारण भी मार्जिनलाइजेशन था और वो छोड़कर चले गए तो मार्जिनलाइजेशन और बढ़ेगा. तो कॉज और इफेक्ट देखा जाए तो दोनों चीज़ सेम है ना. पहले हमने उन्हें अलग ट्रीट किया, वो छोड़ के चले गए, फिर इससे क्या होगा, मार्जिनलाइजेशन और बढ़ेगा, कि फिर दूसरे जो दूसरे एरिया है वहाँ के भी मुस्लिम सोचेंगे हम यहाँ पर जाके रहते हैं. तो ऐसे क्या, सब लोग अलग अलग होते जाएंगे, अलग अलग होते जाएंगे तो और मार्जिनलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा. येट द लाइव्स ऑफ मार्जिनलाइज पीपल कैन एंड डू चेंज. दस नो वन इज मार्जिनलाइज ऑल द टाइम इन एग्जैक्टली द सेम वे. इफ वी गो बैक टू द टू एग्जाम्पल्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन वी हैव डिस्कस्ड, वी विल सी दैट ईच ऑफ दीज ग्रुप्स हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल एंड रेजिस्टेंट. मार्जिनलाइज कम्युनिटीज वॉन्ट टू मेंटेन देयर कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस वाइल हैविंग एक्सेस टू राइट्स, डेवलपमेंट एंड अदर अपॉर्चुनिटीज. अब देखिए इधर पर बोला है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज वॉन्ट टू मेंटेन देयर कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस वाइल हैविंग एक्सेस टू राइट्स, डेवलपमेंट एंड अदर अपॉर्चुनिटीज. देखिए उनको राइट मिला है कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, राइट टू लिव, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम. तो जो मार्जिनलाइज पीपल है वो लोग भी अपना कस्टम और ट्रेडिशन फॉलो करना चाहते हैं, तो लेट देम डू, करने दें उन्हें. हम उन्हें ऐसा क्यों ट्रीट करें अलग से, ठीक है. सबकी अपनी अपनी स्वेच्छा है, जो अपनी मर्जी से अपना रिलीजन फॉलो करें, किसी पर रोक टोक तो नहीं है. तो सबसे पहली बात, हमें अपनी स्टीरियोटाइप मेंटेलिटी को ख़त्म करना होगा कि जो भी अगर वो अलग दिख रहे हैं या अलग पहन रहे हैं तो वो उनका कस्टम और ट्रेडिशन है, ठीक है. आदिवासी से अगर पत्ते पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, तो ये उनका ट्रेडिशन है, उनको करने देना चाहिए, ठीक है. तो जिसकी हमें उसे एक मेंटेलिटी नहीं बना लेनी, हाँ वो आदिवासी है तो हम उसे एक अलग ट्रीट किया जाए, उसे सोसाइटी में जगह ना मिले. तो ऑल अबाउट दिस चैप्टर जो कराना था करा दिया. ओके, थैंक यू, दिस चैप्टर इज़ ओवर.